जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप? आपको नवरात्रों की बहुत बहुत बधाइयाँ हों। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लोबान यानी कि धूना देने का सही तरीका कि आप अपने घर में कैसे धूना दें। तैयार हो जाओ दोस्तों और आ जाओ धूनी देने का सही तरीका जानने के लिए। तो दोस्तों हम सबसे पहले ले लेंगे करसी, कंडा या फिर इसको उपला भी बोलते हैं या हरियाणा में इसको गोसा भी बोलते हैं। तो बस इसको ले लेंगे हम और इसको हम अच्छे से कर लेंगे गरम। इसको गरम इतना करना है दोस्तों कि ये बिल्कुल अंगारे की तरह लाल हो जाए, जैसे कि कोयला हम गरम करते हैं। तो दोस्तों सही तरीका यही है कि आप गोबर के कंडे के ऊपर ही लोबान करें तो उससे बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलते हैं। बहुत से लोग जो है नारियल के छिलके पर भी करते हैं। अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो आप कर सकते हैं। बस इसको हम ले लेंगे गरम करके, एक मैंने छोटी से हवन कुंड में इसको ले लिया है। आप चाहे तो किसी भी पात्र में इसको ले सकते हैं। सबसे अच्छा दोस्तों रहेगा कि आप तांबे के पात्र में ही इसको लें। ये दोस्तों मैंने ले लिया है यहाँ पे गूगल धूनी। तो दोस्तों गूगल आपको मिल जाएगी पंसारी की दुकान से। ये है मेरे पास लोबान, ये आपको मैं दिखाती हूँ कि कितना अच्छा लोबान है। ये हाथ से ही क्रश हो रहा है, वरना इसको तोड़ने के लिए बहुत मशक्कत और मेहनत करनी पड़ जाती है दोस्तों। पर ये वाली लोबान देखिए मैं पंसारी से लेके आई हूँ और कितनी अच्छी है, हाथ से ही ये टूट रही है। तो हम इसका चूरा कर लेंगे दोस्तों ऐसे ही तोड़ के, और हमें इसे अपनी करसी जो हम गर्म करके लेके आए हैं उपला उसके ऊपर डालना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ गूगल। गूगल दोस्तों एक पेड़ की लार होती है, और या फिर इसको कह लेंगे गोंद, जो एक पेड़ पे से निकलती है। इसको दोस्तों करसी, गरम करसी के ऊपर जैसे ही आप डालेंगे तो ये बहुत ही मनमोहक खुशबू उत्पन्न करती है। तो इसको आप घर में ज़रूर करें दोस्तों। इसकी खुशबू से देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। आप करसी के ऊपर रखें गूगल, गूगल के ऊपर अब हम डालेंगे लोबान। लोबान डालने के बाद दोस्तों मैं इसके ऊपर एक दो बूंद डालूँगी देसी घी के, पूजा का देसी घी जो आपके घर में अवेलेबल होगा ही। ये चीज़ें ज़्यादा महंगी नहीं हैं दोस्तों, बहुत सस्ती पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगी इजीली, तो आप ज़रूर घर पे लाएं। दोस्तों सही तरीका ये है कि आप इसके ऊपर हवन सामग्री डालें, क्योंकि हवन सामग्री में जो जो चीज़ें हम नहीं डाल पा रहे हैं अपनी धूनी में वो सारी अवेलेबल होती हैं। आप चाहें तो खाली जो लोबान है और गूगल है उसी से ही धूना दे सकते हैं या लोबान कर सकते हैं अपने घर में, पर ये सही तरीका है कि आप इसमें हवन सामग्री अवश्य डालें। ऊपर से मैंने ये कपूर रखा है इसके ऊपर, और बस इसको अब हम जलाएंगे और थोड़ा सा घी मैं इसके ऊपर फिर से डालूंगी ताकि खुशबू अच्छे से फैल जाए। बस जलाते ही दोस्तों इतनी मनमोहक खुशबू आपके घर में हो जाएगी कि ऐसा लगेगा कि बस अभी हमने हवन किया है अपने घर में। दोस्तों इस जो इसकी गूगल की जो स्मेल होती है उससे देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। नेगेटिव एनर्जी आपके घर की दूर होती है। अगर आपके घर में कलेश रहता है, घर में पैसे की दिक्कत है, घर में लड़ाइयाँ झगड़े, बच्चे पढ़ते नहीं हैं और डिप्रेशन रहता है अगर आपको, तो अगर आप ये करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आप ज़रूर करके देखिएगा दोस्तों। और इसको मैंने जैसे कि बताया आपको कि तांबे के पात्र में ही इसको करना है। अगर आपके पास तांबे का पात्र नहीं है तो आप मिट्टी का पात्र ले लें, कुछ भी मिट्टी का कटोरा या कुछ भी मिट्टी का डोंगा लेके आएँ आप बाज़ार से और उसमें आप इसको करें। और आपको करना क्या है, हफ्ते में कम से कम एक बार इसको ज़रूर करना है दोस्तों। आपको खुद रिज़ल्ट पता लगने लग जाएंगे, आपके घर से नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल दूर हो जाएगी और पॉजिटिव वाइब्स घर में आने लगेंगी। आपको अगर डिप्रेशन की प्रॉब्लम है तो इसकी जो सुगंध होती है उसको लेते ही आपकी डिप्रेशन धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि कम होने लग जाएगी। तो आपको घर में सैटरडे नाइट को अगर आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आपके घर में किसी की नज़र लगी है तो उसको भी ये दूर करता है दोस्तों, और बच्चों के जो माइंड होते हैं उसको भी ये सही पोजीशन पे लेके आता है अगर उनके माइंड में कुछ गलत चल रहा है तो। अगर आपके घर की जो वाइब्स हैं वो बहुत ही अच्छी पॉजिटिव चीज़ें को उत्पन्न करती हैं और भगवान को भी घर में आने का न्योता मिलता है कि खुशबू से भगवान भी खींचे चले आ जाते हैं, देवता भी आपके घर पे खींचे चले आएंगे। तो आपको क्या करना है, सैटरडे की नाइट को जैसे मैंने
करा है वैसे ही आपको करना है, बिल्कुल यही बिल्कुल सही सटीक तरीका है करने का। और बस इसको जलाने के बाद पूरे घर में आपको क्या करना है, जैसे कि मैं दे रही हूँ ना, ऐसे करके आपको पूरे घर में धुनी देनी है, पूरे घर में चारों दिशाओं में आपको धुनी देनी है। और उसके बाद इसको आपके प्रवेश द्वार जो होता है, आपके घर का प्रवेश द्वार, पूरे घर में धुना देने के बाद आपको अपने घर के प्रवेश द्वार के साइड में इसको रख देना है, ताकि आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो भाग जाए और पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर प्रवेश करे। तो दोस्तों हमें क्या करना है, अगर आप सैटरडे को भी नहीं कर पाते, हफ्ते में एक बार भी नहीं कर पाते, तो आपको जितने भी हमारे फेस्टिवल्स पड़ेंगे अब, तो आप फेस्टिवल्स पे इनको करें, या फिर आप कर सकते हैं ये जैसे अब अमावस्या या पूर्णमासी आती है, आप उस दिन कर सकते हैं, या अब नवरात्रे चल रहे हैं दोस्तों, तो नवरात्रों में आप सारे नवरात्रों पे कर सकते हैं। कंडी तो मोस्टली लोग सब करते हैं, अग्यारी सब करते ही हैं नवरात्रों में, तो आप अग्यारी में भी ये कर सकते हैं। तो आपको जैसे आप अग्यारी में करेंगे तो आपके घर का माहौल बहुत ही सुगंधित और अच्छा हो जाएगा, और आपको लगेगा कि घर में हवन किया है और घर में एक अलग सी स्मेल और खुशबू हो जाएगी, जो आपको बहुत ही मनमोहक लगेगी दोस्तों, और घर में अच्छी अच्छी वाइब्स आने शुरू हो जाएगी, टेंशनें ख़त्म हो जाएगी घर की, और माता रानी आपके घर में प्रवेश करेंगी। तो दोस्तों आपको कैसी लगी मेरी ये टिप एंड ट्रिक्स, और आप दोस्तों ज़रूर धुना दें अपने घर में, लोहबान अपने घर में ज़रूर करिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपने लोहबान अगर घर में करा तो आपको कैसा महसूस हुआ। आपको कुछ ही दिन में रिज़ल्ट दिखने खुद ही शुरू हो जाएंगे दोस्तों, मेरे कहने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपको कैसा लगा। आपको नवरात्रों की बहुत बहुत बधाइयाँ दोस्तों, जय माता दी दोस्तों, मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अगर बात समझ ना आई हो दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। जय माता दी।